दशहरा और नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। गरबा, पूजा पंडाल और रामलीला के साथ नवरात्रि के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं इन सब के बीच लोग अपने परिवारों के साथ वक्त बिता रहे हैं। 10 दिन लंबे इस फेस्टिवल का आज अंत दशहरा के साथ हो जाएगा। आपको बता दें, दशहरा की अहमियत सबसे ज्यादा है। अच्छाई पर बुराई की जीत के मैसेज के साथ आज कई फिट लंबे 10 सिर वाले रावण का दहन किया जाएगा। रावण दहन को देखने और अपनों के साथ मेला घूमने आज बहुत से लोग जाएंगे। अगर आप नोएडा या नोएडा के आसपास रहते हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि नोएडा सेक्टर 21A के नोएडा स्टेडियम और सेक्टर 62 के पार्क के पास विजयदशमी पर मेले का आयोजन किया गया है। विजयदशमी पर मेले में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। नोएडा स्टेडियम में मेले में हिस्सा लेने आए लोगों को सेक्टर 25 स्पाइस मॉल के पास खाली मैदान और सेक्टर 62 में आयोजित मेले में हिस्सा लेने आए लोगों को डी पार्क के पास वाहन पार्क करने होंगे। बीच सड़क पर वाहन खड़ा करने पर नो पार्किंग का चालान होगा। 4 क्रेनों की मदद से बीच सड़क पर खड़े वाहनों को हटाया जाएगा। आयोजन के बीच मार्गों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। वहीं ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था संभालने के लिए 150 कर्मी लगाए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्टेडियम के पास कौन कौन से मार्ग आज प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।